सर अपना परिचय दें, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इटावा। इटावा, अपने बारे में बताएं कुछ, क्या करते हैं आप? हम, मेरा भीख मांगने का काम है। भीख मांगने का? हाँ, ये हमारा खानदानी काम है। खानदानी? हाँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? ससुराल में मेरे लोग कहते हैं दामाद क्या करते हैं, तो मेरे ससुर कहते हैं मेरे दामाद का वैसा काम है, जैसे किसी से पैसे लेना, कोई 10 रुपया 5 रुपया ऐसे करके घर पे लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि दिखा रही है कहीं? नहीं, उनका तो बिजनेस है। हाँ, खुद का मेरा बिजनेस है। रोज़ सुबह थोड़ी पोजीशन हालत गंभीर खराब करके घूमने लगते हैं, तो शाम तक मैं आराम से अपना 800-900 रुपये का झाड़ी तैयार कर लेगा। अच्छा, गाँव में क्या कारोबार तुम्हारे गाँव में? गाँव में कोई कारोबार नहीं है, यही गांव में भी भीख ही मांगने का काम है, लेकिन यहाँ पैसा मिलता है, वहाँ आटा दाल वगैरह ये मिलती है। खेती बाड़ी वगैरह तुम्हारी? खेती नहीं है हमारी। नहीं नहीं वैसा काम नहीं करते हम, चोर चपाटी का काम करते नहीं है कभी, इतने बड़े हो गए आज तक कभी हुआ है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिखावत। अच्छा। हाँ, इटावा का रहने वाला हूँ। भगवान चाहे पैसे की मेरे पास कमी नहीं है। अच्छा। मेरे पास आलू प्याज की कंपनी है। अच्छा। चॉकलेट की खेती भी है। अच्छा। आइसक्रीम के पेड़ लगवा रहे हैं अभी, और जो भी बिजनेस मैं करूँगा उसमें सरकार को भी मुनाफा होगा। अच्छा। और सरकार का भत्ता जितना भी मैं अपनी तरफ से दूंगा वो सब महाराष्ट्र सरकार पे जाएगा। अच्छा। जैसे पिछले साल मैंने बाल ठाकरे को 86 लाख रुपया दिया था। अच्छा। हाँ, उसका आज दिन तक कोई उसका जवाब नहीं आया कि आखिर वो पैसा गरीबों में बांटा गया या नहीं बांटा गया। कोरोना काल के कारण मैंने करीब मास्क बंटवाए थे, 15-20 लाख मास्क बंटवाए थे मैंने। अच्छा। भोपाल में वो भी तुम्हारे खेती में पैदा हुआ? हाँ, पैदा करते हो? उसमें हमारे पार्टनर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें खट्टर कहते हैं, उनका भी योगदान था थोड़ा मास्क बनवाने में। नहीं, बनाए तो मैंने थे। अच्छा। बनाए तो मैंने थे मास्क। अच्छा, इटावा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में? नहीं, यूपी में पड़ता है। यूपी में? तो महाराष्ट्र सरकार से कैसे लेन देन आपका? सरकार से मैं सपा का आदमी हूँ, समाजवादी पार्टी का। अच्छा। हाँ, और वहाँ मेरे यहाँ आज भी सरकार समाजवादी पार्टी की है। इटावा में? हाँ, विधायक राघवेंद्र सिंह गौतम है। अच्छा। हमारे यहाँ। हेलो।